सतना के उतैली क्षेत्र में बनी पीएम आवास कॉलोनी में बने हनुमान मंदिर की शनिवार को महिलाओं ने दीवार तोड़ दी। कॉलोनी वासियों के विरोध करने पर महिलाओं ने उनके साथ भी मारपीट की। हंगामे की जानकारी लगते ही पुलिस फोर्स के साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तोड़फोड़ करने वाली महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के सामने ही लोगों को अपशब्द कहे। हंगामे के बीच मामला थाने पहुंच गया। कॉलोनी वालों का कहना है कि महिलाओं ने शॉर्टकट रास्ते के लिए दीवार तोड़ी है। कोलगुआ थाना अंतर्गत उतैली स्थित पीएम आवास कॉलोनी परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा हनुमान मंदिर बनाया गया है। मंदिर में प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और बचे हुए कुछ हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार को कुछ महिलाएं सब्बल, हथौड़ी और दीवार तोड़ने वाली औजार लेकर बच्चों के साथ मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंची। उन्होंने मंदिर की पिछली दीवार को ढहाना शुरू कर दिया। जानकारी लगते ही कॉलोनी वाले वहां पहुंचे और ऐतराज जताया। विरोध करने पर गुस्साई महिलाएं तोड़फोड़ छोड़कर उनसे उलझ गईं। उन्होंने गाली गलौज करते हुए हाथापाई भी की। इसके बाद लोगों ने सूचना कोलगुआ पुलिस को दी। पुलिस के साथ तहसीलदार रघुराज नगर सौरभ मिश्रा मौके पर पहुंचे। जब तक टीम मौके पर पहुंची तब तक महिला और बच्चों ने दीवार का आधा हिस्सा तोड़ दिया था। पुलिस और तहसीलदार ने मौका मुआयना किया और लोगों से घटना की जानकारी ली। तोड़फोड़ करने वाली महिलाएं उनके सामने भी हंगामा करने लगी। उधर कॉलोनी वाले भी आंदोलन की तैयारी करते हुए जिद पर अड़ गए कि जब तक दीवार दोबारा नहीं बनाई जाएगी तब तक वे आंदोलन करेंगे। तहसीलदार ने टूटी हुई दीवार का निर्माण शुरू कराया और कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया कि दोबारा ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि तहसीलदार ने मौके पर स्थिति संभाल ली लेकिन बाद में मामला कोलगुआ थाने पहुंच गया। कॉलोनी की जय माता दी उत्सव समिति के लोगों ने पुलिस से लिखित शिकायत करते हुए इस घटना को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मामला यह है, मंदिर हमारा बना हुआ था हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ जानबूझ के जो है महिलाएं द्वारा मंदिर की दीवार तोड़ दी गई है और पुरुष नहीं आए। महिलाएं गाली गलौज कर रहे थे और हमारे सामने हमने पुलिस को भी फोन किया। मंदिर की दीवार तोड़ दी गई, बजरंग बली का मंदिर बना हुआ था, जबरदस्ती गाली गलौज और पथरावबाजी करके मंदिर तोड़ दी गई। अब आप लोग और क्या जब तक हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे मंदिर की दीवार न जुड़ जाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे।